गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो इलिप्स का लास्ट टॉपिक है। आज इलिप्स को खत्म करते हैं। टॉपिक हमारा जो इलिप्स का चल रहा है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इलिप्स के देने वाले हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट भी लिखा हुआ है, थोड़ी स्टेटमेंट चलेगी, समझना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। लेकिन फर्स्ट तो मैंने फिर भी ईजी लिखा है, लेकिन उसके बाद थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वही एस पी इक्वल टू ई पी एम याद रखना है और सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोई बड़ी बात नहीं है, मत समझो, ऐसा नहीं है कि ये क्या लिख दिया समझ में नहीं आया। ये कहता है एक्सिस जो आपको दी गई उन्हीं के अकॉर्डिंग इलिप्स को बनाया गया है। ठीक है, फोकी अलोंग एक्स एक्सिस, फोकी एक्स एक्सिस के अलोंग है। देखो ये देगा आपको मेन चीज, तो जब फोकी एक्स के अलोंग है इसका मतलब हो गया कि फोकी एक कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो। इसका मतलब इलिप्स क्या हो गया, देखो हेयर फोकी अलोंग एक्स एक्सिस, तो दिस एम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हो गई एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू वन। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन मान लो, यहां ए और बी की वैल्यू रखनी है, आंसर लेना है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। विद लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ 4, लेटस रेक्टम आपको 4 दिया गया है। हाँ, तो ये देखो ना, मेन तो ये आ गया, गिवन लेटस रेक्टम इक्वल टू कितना 4, मतलब ये हो गया 2b स्क्वायर ओवर a इक्वल टू 4, देन b स्क्वायर इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो इसको अभी। ठीक है, a और b की चाहिए ना वैल्यू, और आगे चलते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी 4√2, और जो फोकी की डिस्टेंस है वो 4√2 है। कैसे, देखो समझाता हूं मैं। ये फोकी इस तरह होता है ना, मान लीजिए फोकी यहां एक यहां है, ये मान लीजिए ए ई कोमा जीरो है, तो ये हो जाएगा माइनस ए ई कोमा जीरो, यही होता है, ऐसे बनेगा ना। अब स्टूडेंट्स आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होगी डिस्टेंस, याद कीजिए क्या होता है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। दो पॉइंट है तो ये माइनस ये, हाँ, तो ए ई माइनस माइनस प्लस ए ई का स्क्वेयर प्लस जीरो माइनस जीरो का स्क्वेयर पूरे पे रूट, ये डिस्टेंस निकले दोनों के बीच की। तो यहां से आप सोल्व करें कितना बनेगा, 4 ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, हाँ, तो पूरे पे रूट, तो स्टूडेंट्स ये आएगी 4 2 ए ई। इनके बीच की डिस्टेंस ही आ गई, किसकी, फोकी के बीच की डिस्टेंस, ये फोकी है ये फोकी है नेक्स्ट। ठीक है, तो सीधा रिजल्ट यूज करेंगे हम 2ae, क्या होती है डिस्टेंस फोकी के बीच की 2ae, याद रखना है आपने। तो क्या आएगा, अगेन गिवन डिस्टेंस बिटवीन फोकी इक्वल टू 4√2, फोकी की डिस्टेंस हो गई 2ae इक्वल्स टू 4√2, तो ae इक्वल टू 2√2 हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड मान के भी और रोक लो इसको, समझ आया कि सारा कंप्लीट यहां तक। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये कंडीशन इसके बराबर हो दे रखी है आपको ना, हाँ, तो इसे को लेके चलते हैं क्वेश्चन को, हमें पता है रिलेशन। नाउ कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब निकालते हैं, बी स्क्वायर की जगह रखो यहां पे 2a इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां से e की वैल्यू क्या है, देखो स्टूडेंट यहां से लेते हैं e की वैल्यू, तो e की वैल्यू आएगी 2√2 बाई ए, क्लियर है, स्क्वेयर करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 2 बाई ए स्क्वेयर, 4.2 ही इंटू है इसका स्क्वेयर होगा ना, 4√2 का 2, 4 इंटू 2 तो 8 आ जाएगा, a डिवाइड में तो ए स्क्वेयर हो गया, स्क्वेयर करेंगे तो। ठीक है, रखो वैल्यूज, 2a इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 8 बाई ए स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आप एलसीएम ले लो, 2a इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस 8 बाई ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से कट हो गया, क्या बचा, ये आएगा ए स्क्वेयर
माइनस के 2a माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में माइनस 8 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट्स माइनस 4 प्लस के 2 हो गया, तो आंसर आएगा a इक्वल टू, सीधा आंसर राइट करता हूँ, माइनस 2 और a इक्वल टू 4। यहाँ से दो आंसर आएंगे निकल के, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट स्टूडेंट्स माइनस 2 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि माइनस 2 अगर यहाँ होगा तो ये माइनस का 4 हो गया, और किसी का भी स्क्वेयर नेगेटिव नहीं हो सकता, हो गया ना। पर क्या लिखोगे, बट a इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, दिस इंप्लाइज, लिख देना कहां से, फ्रॉम फर्स्ट नहीं फ्रॉम सेकंड से, सेकंड इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि a नॉट इक्वल टू माइनस 2 है। तो क्या बचा अभी, दिस इंप्लाइज वैल्यू क्या आ गई है कि 4, a की वैल्यू 4, b की निकाल लेते हैं, पुट इन सेकंड, तो क्या आएगा, बी स्क्वेयर इक्वल टू 8, 4 टू 8 हो गया, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 2√2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो a की b क्या आ गई, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, x स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर, a स्क्वेयर मतलब हो गया 16, प्लस y स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर a इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, ये आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज सेंटर 0 0, सेंटर तो 0 0 हम करवा ही रहे हैं अब तक, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मतलब जो मेजर एक्सिस वो कहां पे है, वाई एक्सिस पे है, तो सेकंड फॉर्म लग गई ना यहां पे, क्लियर सी बात है। आगे बार बाद में देखते हैं, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग सेंटर 0 0 एंड मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, दिस एम्प्लाइज, तो क्या बनेगी इक्वेशन, देखो एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वे अब दिखा दो ए ग्रेटर देन बी, कोई बात नहीं, समझ आया कैसे, ये बन गई इक्वेशन, बस आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, है ना। करें अब आगे, पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, ये इलिप्स इन दो पॉइंटों से पास करता है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, सीधी सी बात है, वही केस है ना सब, तो क्या जब भी कभी पासिंग पॉइंट मिले ना, तो आप समझ लेना वो उसको सेटिस्फाई करता है हर एक क्वेश्चन में, इसी में नहीं, हर एक किसी चैप्टर के अंदर भी। तो करें अभी, बट इक्वेशन फर्स्ट आल्सो पासिस थ्रू 3, 2 एंड 1, 6, सो दीज पॉइंट्स सेटिस्फाइज इक्वेशन फर्स्ट, सेटिस्फाइज इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बनेगा यहां पे, रखिए पहले 3, 2, 3 यहां पे, 2 यहां पे, 3 आएगा, क्या आएगा, 9 बाई बी स्क्वेयर प्लस में 2 यहां पे, 4 बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू 1, कोमा सेकंड ले लो, यहां रखो 1 और यहां रखो 6, तो क्या आएगा, 1 बाई बी स्क्वेयर प्लस में वाई वैल्यू 6, तो आ जाएगा 36 बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, इनको सोल्व करना है, जैसे आपको बताया था दोनों स्ट्रेट लाइन की तरह सोल्व करो इनको। तो सोल्व कैसे करें, पहले मैं 1 बाई बी स्क्वेयर 1 बाई स्क्वेयर ले लेता हूं तरफ से, लेट 1 बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू मैंने यू ले लिया और 1 बाई ए स्क्वेयर इक्वल टू मैंने वी ले लिया, तो फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड बिकम्स क्या बन जाएंगी, सेकंड थर्ड यू रखो तो 9u प्लस में यहां रखोगे वी 4v इक्वल टू 1 और सेकंड यहां रखोगे तो ये आ जाएगा u प्लस में 36v इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो देखो स्टूडेंट्स, इजी करने के लिए मेथड क्या करूं मैं, यहां से इसको मैं 9 से कर लेता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है ना, आपके लिए इजी हो जाएगा। 9 से कर लो इसको मल्टीप्लाई, 9 यहां पे, 36 को 9 से करेंगे ये आएगा और यहां पे 9 हो गया। अब तो इजी है, माइनस 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 ये कट हो गया, यहां माइनस करेंगे तो माइनस के 320 वी इक्वल टू माइनस के 8, देन वी इक्वल टू 1/40, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब सेकंड आ जाओ, पुट कर दो v की वैल्यू किस में, इसी में कर दो पुट, कहीं कर दो, वो तो 9, चलो इसमें कर दो, ये वाली थी ना सेकंड वाली, क्या थी ये u प्लस में, और यहाँ पे था 36 इंटू वी की वैल्यू हो गई 1/40 इक्वल टू 1, ये 36 था यहाँ पे, ठीक है हो गया। अब क्या बनेगा, तो u इक्वल टू 1 माइनस 36/40, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा u इक्वल टू 4/40 मतलब 1/10, u की वैल्यू 1/10, v की वैल्यू 1/40, तो बताइए अब u की वैल्यू 1/10, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज सीधी b स्क्वायर इक्वल टू 10, अरे u की वैल्यू 1/10 है, u की जगह आ गया 1/b स्क्वायर, तो 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/10, हां तो b स्क्वायर इक्वल टू 10, एंड सेकंड a स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ गया 1/a स्क्वायर, मतलब यहां आ गया 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1/40, तो a स्क्वायर इक्वल टू 40, देन a स्क्वायर इक्वल टू 40, बस स्क्वायर में रहने दो ना, मुझे स्क्वायर में चाहिए, यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे 10 और इसकी जगह पे 40, ये आंसर हो गया, बस हो जाएगा। चलो ट्राई कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकस एट 3,0, फोकस पॉइंट मतलब फोकल पॉइंट कितने हैं 3,0 पे, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 5 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2/3, इक्वेशन निकालनी है, तो इसको उस तरीके से कराऊं, वैसे भी कर सकते हैं आप सिंपल, क्योंकि सिंपल हो जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहो उससे करना sp इक्वल टू pm से epm से तो उससे हो जाएगा। देखो मैं उससे कराता हूं आपको ताकि इजी रहे समझ में आए कुछ टॉपिक। जैसे ये हमारे पास कोई एलिप्स है, इस तरह का तो फिगर बना लें, ये हो गया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे x y y डैश एंड यहाँ हो जाएगा x डैश, ठीक है स्टूडेंट्स समझ आ रहा है। तो ये कहता है फोकस का पॉइंट यहाँ कहीं है, मान लीजिए s यहाँ पे कितना है 3,0, ठीक है, और यहाँ से निकल रही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सेम फिगर है, वही बताया था मैंने, इक्वेशन है x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 यहाँ ले आया, हो गया, हाँ तो यहाँ ले लो P, यहाँ मान सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, कहीं मान लो आप P पॉइंट, ये P हो गया x कोमा y, ये मेरा M पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, क्या क्या गिवन है, S डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, E गिवन है इस बार, ठीक है ना, तो देखो क्या लिखोगे, गिवन फोकस इक्वल टू 3,0, ई इक्वल टू 2/3 असेंट्रिसिटी हो गई, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो पहले मैं एस पी निकालता हूं, नाउ बोलो एस पी इक्वल टू क्या आएगा, रूट में क्या एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस वाई का होल, सॉरी वाई माइनस 0 कर दो तो कैसे कर दो कोई बात नहीं, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब निकालो पीएम, तो पता है ना पीएम क्या आएगा, पी के पॉइंट यहां रखने इक्वेशन में, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, एक्स माइनस 5 ओवर डिवाइड में रूट में x से पहले y से पहले, y तो है नहीं 0, तो x से पहले कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और पूरे पे लगा दो मॉडुलस, हो गया। अब करें इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो क्या आएगा एस पी इक्वल टू ई पी एम, हाँ तो स्टूडेंट्स एस पी की वैल्यू है रूट में एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ई की वैल्यू है 2/3, 2/3, p
पीएम की वैल्यू है ये वाली एक्स माइनस फाइव मॉडुलस में, नीचे तो वन ही रहेगा, वन ही रहना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें तो यहां से फार्मूला खुलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन माइनस के सिक्स एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर होगा तो फोर बाई नाइन और इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस में ट्वेंटी फाइव माइनस में टेन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ। अब नाइन को जाले आते हैं, देन नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस में एटी वन माइनस के प्लस में नाइन वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर से कर दो मल्टीप्लाई, फोर एक्स स्क्वेयर प्लस में हंड्रेड माइनस के फोर्टी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, फोर यहाँ ले आओ, देन इधर आए तो बचेगा फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस में नाइन वाई स्क्वेयर, फोर्टी एक्स यहाँ लेके आएंगे तो फोर्टी रहेगा माइनस माइनस प्लस का, यहाँ माइनस का है तो माइनस के फोर्टीन एक्स हो गया। ठीक है, और हंड्रेड यहाँ आएगा तो माइनस का होगा, एटी वन हंड्रेड माइनस के नाइनटीन बचेंगे इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन हो गई। समझ आया टॉपिक तो बताया मैंने बोला। ठीक है, तो इस ट्रिक से करना है, कोई डाउट नहीं आने वाला है, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये इक्वेशन के थ्रू मैंने करवाया है, एसपी इक्वल टू ई पी एम। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट ही इलिप्स का क्वेश्चन है, एसपी इक्वल टू ईपीएम, फिर वही क्वेश्चन लगानी है, ई गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है और फोकस पॉइंट गिवन है, बट इस बार ओरिजिन से नहीं है पासिस, मतलब सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, क्योंकि फोकस पॉइंट है वो कहाँ पे है, वन टू दोनों के पॉइंट आ रहे हैं, तो ये बाहर बनेगा लाइन से लेकिन फिगर वही रहेगा। देखें इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, फिगर तो वही बना लिया, फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये x और ये y, मतलब ये जीरो जीरो नहीं है, कभी आप जीरो जीरो कर दो इसको। ठीक है, ऐसी बात हमारे पास एक्सिस है, मान लीजिए ये कोई हमारे पास s है, 1, 2 फोकस का पॉइंट, ये p हो गया, सेम स्टेटमेंट है वही p x, y, और ये हमारे पास इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन है 3x plus 4y minus के 5 equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, ये pm हो गया, m ये परपेंडिकुलर हो गया और e की वैल्यू 1/2 की बन है। ठीक है, फिगर वही है, sp इक्वल टू pm निकालना है, तो मैं सीधा कर दूं, पहले sp निकालते हैं फिर pm निकाल लेते हैं। sp इक्वल टू क्या आएगा, रूट में x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं pm, pm में ये पार्ट सेम लिखना ही होता है, 3x plus 4y minus के 5 modulus में, और नीचे जाएगा root में x से पहले 3 का square 9, y से पहले 4 का square 16, हो गया। अब बनाते हैं equation, equation of ellipse, तो क्या आएगा, sp equal to epm, रखे values, sp की value root में x minus 1 का square plus y माइनस टू का स्क्वेयर इक्वल टू e की वैल्यू 1/2, pm की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस के 4y माइनस के 5 मॉडुलस में और डिवाइड में 5 आना है, भाई रूट आएगा 25, 25 का 5 आना है, हो गया था। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, पहले स्क्वेयरिंग करो, तो स्क्वेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखो सीधा फार्मूला खोल लेता हूं, क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस y square plus के 4 minus के 4y equal to, ये 1/10 हो गया ना, square होगा तो 1/100 आ जाएगा, और bracket में इसका square 3x plus 4y minus 5 का whole square, हो गया अभी, तो 100 पहले यहाँ ले आए, तो students यहाँ से क्या आ जाएगा, 100x square plus में 100y square minus में 200x माइनस में 400y, हो गया, और 4 प्लस 1 5 प्लस के 500। ठीक है, ये तो पार्ट इधर का क्लियर हुआ है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहां a प्लस b माइनस c का खुलेगा होल स्क्वायर, तो सीधा खोलो फार्मूला, क्या आएगा, a स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर 25
प्लस में 2ab 12 24xy, हो गया। फिर आगे इसकी से मल्टीप्लाई माइनस आएगा तो 20 20 to the 40 40y, माइनस में इसकी से 15, तो ये हो गया 30x, ये आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बट बीच में माइनस है तो जहां सी आ रहा है वहां नेगेटिव पॉइंट कर दो, तो सी इन दोनों में आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसकी से मल्टीप्लाई 20, 20 की 2 से 40, और इसकी से मल्टीप्लाई 15, 15 की 2 से 30, ठीक है। चलिए अब करो सॉल्व, तो 9x² यहां लेके आए तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 91x², वाई स्क्वेयर यहाँ लेके आए 16, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 84y², हो गया। एक्स के टर्म्स यहाँ लेके आए 30x, यहाँ आएगा तो प्लस का होगा तो माइनस के 170x हो गया। वाई के टर्म यहाँ लेके आए तो प्लस का होगा तो माइनस के 360y हो गया, ठीक है। अगला 24 इधर लेके आ जाएंगे वाला, माइनस के 24xy हो जाएगा। 25 यहाँ लेके आए देन लेस होगा तो प्लस में 475 = 0, ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर मैच कर रहा था, कंप्लीट सेम है, समझ आया कैसे करना है। तो इजीली क्वेश्चन है ना, SP = APM से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चनों के अंदर। तो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कॉनिक सेक्शन के 3 टॉपिक कंप्लीट है, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स। लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला, उसकी देखते हैं 2 वीडियोज या 3 वीडियोज में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जहां तक हम 2 में ही कोशिश करें खत्म करने की, इतना कुछ लेंथी पार्ट नहीं है। अब तो आपको काफी कुछ आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाइपरबोला के बारे में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।